नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB मेडिसिन में। आज अपन बात करेंगे टाई एड ट्रांसक्रिप्ट के बारे में। टाई एड ट्रांसक्रिप्ट को मशहूर कंपनी लुपिन कंपनी बनाती है, जिसकी जो प्राइस है वो है 179.75 रूपए पर पैक। ये 15 कैप्सूल के पैक में होता है, जिसमें जो कंटेंट डाला गया है वो है टायोट्रोपियम 18 mcg। इसका यूज आप स्पेशल डॉक्टर की सलाह से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये ट्रांसक्रिप्ट आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। टाई एड ट्रांसक्रिप्ट एक एंटी कोलिनर्जिक दवा है, जो सांस संबंधी समस्याओं में यूज होता है। जैसे कि अगर आपको अस्थमा की शिकायत है, आपको COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की समस्या है, आपको खांसी चलती है, फेफड़ों में सूजन आ गई है, तब इसका यूज काफी इफेक्टिव है। ये एक ब्रोंकोडायलेटर है, जो आपकी एयरवेज को चौड़ा करता है और उन्हें आराम देता है। और श्वास नली के अंदर अगर म्यूकस जम गया है तो ये उसे बाहर निकालता है, उसे हटाता है, जिससे कि आपको अस्थमा और सांस लेने की जो समस्या है उसमें काफी आपको आराम मिल जाता है। इससे सीने में जकड़ने की जो प्रॉब्लम है उसमें राहत मिलती है, गड़गड़ाहट और सांस लेने की तकलीफ होने पर भी यह काफी आराम दिलाता है। कई लोगों को एलर्जी रहती है, जिस कारण धूल मिट्टी या फिर पालतू जानवरों के संपर्क में आते हैं उनको खांसी चलने लग जाती है, उनको सांस चढ़ने लग जाता है और सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, तब ऐसे में इसका यूज ऐसी सभी समस्याओं में काफी राहत दिलाता है। अस्थमा की बात करें तो अस्थमा एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें मरीज की जो सांस नली है उसमें सूजन आ जाते हैं और सांस नली धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाते हैं। ऐसे में फिर मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। आज के टाइम में स्मोकिंग और बढ़ते पॉल्यूशन और मादक पदार्थों की लत के कारण अस्थमा के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। आउटडोर या इनडोर पॉल्यूशन, पुरानी डस्ट, परफ्यूम, छोंक का धुआं, अचानक से मौसम में बदलाव या फिर अनुवांशिकता के कारण आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार इंसान इसकी वजह से इतना परेशान हो जाता है कि उसकी सांस में मतलब सीटी की आवाज आने लग जाती है। मतलब जब भी सांस लेता है तो सीटी की आवाज आती है, उसको बेचैनी महसूस होना, सीने में मतलब उसके सिर में भारीपन हो सकता है, सीने में बिल्कुल यूं भारी भारी लगना और थकावट हो सकती है। और कभी कभी ये प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती है कि स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पेशेंट को तुरंत इनहेल का सहारा लेना पड़ता है, मतलब उसको इनहेलर का यूज करना पड़ता है। यदि टाइम पे इनहेल ना किया जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। अस्थमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी भी एज में हो सकती है। इसके कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट, स्पायरोमेट्री और ब्लड टेस्ट करा के आप इसका पता कर सकते हैं। बात करते हैं इसके सावधानी के बारे में, तो अगर आपको लीवर या किडनी डिजीज है या फिर कोई भी सीवियर डिजीज है, साथ ही आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट मदर है, तो इसी सभी कंडीशंस में इसका यूज करने से पहले आपकी जो भी कंडीशंस हैं वो डॉक्टर्स को जरूर बताएं। जानते हैं इसके यूज करने के तरीके के बारे में। तो इससे एक एक ट्रांसक्रिप्ट आपको सुबह शाम इनहेलर मशीन की सहायता से आपको सुबह शाम इसका यूज करना है, या फिर जैसे आपको डॉक्टर बताए वैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। बात करें इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, तो मुंह में सूखापन रहना, आवाज में कर्कशता आना, गले में इरिटेशन होना और आपको उल्टी जिगर होने की समस्या हो सकती है। ये साइड इफेक्ट कुछ टाइम के लेते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको इनके अलावा कोई भी अदर कंडीशन क्रिएट होती है तो वैसे में आप इसका यूज बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।